उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू उस्मानपुर इलाके में रविवार को बोरे में बंद अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पास के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के शवगृह में शव को रखवा दिया और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद पुलिस महिला की पहचान करने में जुट गई। पुलिस ने सभी थानों में छानबीन की तो पता चला कि करावल नगर थाना इलाके में एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने उसके परिजनों से संपर्क किया और गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रखे शव को परिजनों को दिखाया तो उन्होंने उस मृत महिला की पहचान की। महिला की पहचान पूजा उम्र 35 साल जोरीपुर निवासी के रूप में हुई है। मृत महिला के परिजनों ने बताया कि उसकी शादी करीब 10 साल पहले खजूरी इलाके में हुई थी। मृतिका के दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि उसके पति के साथ कुछ अनबन थी, जिससे कुछ दिन पहले मृत पूजा अपने मायके जोरीपुर रमाबाई मोहल्ले में भी वापस लौट आई थी। परिजनों का यह भी आरोप है कि जिस तरह से महिला की लाश बोरे में बंद मिली है और न्यू उस्मानपुर थाना इलाके में ऐसी जगह मिली है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है और इस महिला के चेहरे पर चोट के निशान और गले पर गंभीर निशानों के आधार पर साफ जाहिर होता है कि महिला की हत्या कर सबको फेंक दिया गया है। लाश बोरे में मिली थी और शास्त्री पार्क का जो पीछे का जो पार्क है ना, वहाँ पर उसकी साइड में बोरे में फेंकी हुई मिली थी और वहाँ कैमरा वैमरा कुछ नहीं था। उसकी शादी से फेंकी गई है लाश तो वहाँ पर। तो कंडीशन तो खैर उसकी यही है, उसके नेल्स वेल्स की ये फिंगरप्रिंट्स भी डाल रखे, पूरी आंख वहाँ गर्दन पर निशान है। अब जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी जो भी आएगी। बॉडी शास्त्री पार्क के पास एक पार्क के पास पाई गई है और उसकी बॉडी को मतलब कि बोरे में भर के लाया गया है। उसका आधा हिस्सा मतलब कि फेस उसका बाहर था, बाकी उसका सर बोरे के अंदर था। और जिस तरीके से उसकी बॉडी मिली है पूरा लगता है कि उसे मतलब कि उसका मर्डर किया गया है। और इस तरीके से गया कि कोई प्रूफ भी नहीं छोड़ रखा। और वो सुबह 30 तारीख को घर से 12:30 बजे करीब निकली है और हमने मिसिंग की रिपोर्ट भी अगले 24 घंटे में दर्ज करा दी है, लेकिन उसके बाद हमें बॉडी 3 तारीख को मिली है। वही हमें आज अभी तक, क्योंकि उस लड़की के पास कोई फोन नहीं था, जिसने भी उसे बुलाया है बाकायदा उसे टाइम दे के बुलाया है, क्योंकि हमारे फादर के कहने के जो वहाँ थे उनके मुताबिक तो 10:30 बजे उसके हस्बैंड वहाँ उससे मिल रहे थे। अब ये हमें नहीं पता वो उसे कोई मैसेज दे के गए हैं या उन्होंने बुलाया किसी काम से बाहर गई है, ये हमें अभी कुछ नहीं पता। बाकी हमें शक जो है इन्हीं के इर्द गिर्द है कि शायद इनमें से कोई और, क्योंकि उसकी डेथ से किसी को कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो अकेली अपने घर रही थी। थोड़ा उसका हाँ पति से उससे पहले कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे जिसके तहत वो चली गई थी, लेकिन फिर वो 2 महीने पहले वापस आ गई। महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका उसके पति पर जाहिर की है। फिलहाल पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और इस हत्या के खुलासे के लिए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो पुलिस शीघ्र ही हत्यारों तक पहुंच जाएगी और जल्द इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। संदीप कुमार के साथ चेल्सी रघुवंशी, तेज निगाहें दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तर कुमार आपका अपना धाकड़ छोरा और मैं हूं आज तेज निगाहें चैनल पर। और मैं चाहता हूं और सभी से मेरी अपील है कि तेज निगाहें चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।